हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम क्लास 12th का यहाँ पे जो थर्ड चैप्टर है यहाँ पे किनशिप कास्ट एंड क्लास के बारे में हम देखेंगे। पार्ट नंबर 2 है। सो पार्ट नंबर 1 में हमने बेसिकली क्या क्या देखा था यहाँ पे। सबसे पहले हमने यहाँ पे महाभारत के बारे में देखा था। उसमें मैंने बताया था कि बीएस विद सुक्तांकर ने यहाँ पे महाभारत को जैसे शुरू किया अपनी टीम के साथ 1919 में उन्होंने शुरू किया यहाँ पे 13,000 पेजेस में, बहुत बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उनके द्वारा जो लिखा गया अलग अलग यहाँ पे सांस्कृतिक यहाँ पे मनुस्क्रिप्ट्स को पढ़ा गया। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने देखा। उसके बाद हमने मैरिज रिलेटेड यहाँ पे जैसे एक तो यहाँ पे हमने पेट्रिलिनी के बारे में देखा था, मतलब कि जो यहाँ पे पिता के वंश के आधार पर होगा। ठीक है, एक सिस्टम हमने देखा था मैट्रिलिनी सिस्टम, मतलब कि जो माँ के वंश के आधार पे यहाँ पे होगा। ठीक है, इसके बारे में ये देखा था। उसके बाद हमने यहाँ पे एंडोगैमी भी देखा था, एक्सोगैमी भी देखा था। ठीक है, सो एंडोगैमी में क्या था यहाँ पे कि जो यहाँ पे मैरिज होगी विद इन दी यूनिट होगी। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था। एक्सोगैमी में यहाँ पे जो मैरिज होगी आउटसाइड दी यूनिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि गोत्र सिस्टम से बाहर जाके वो मैरिज वगैरह करना, ये सारा सिस्टम हमने इसमें कवर किया था। उसके बाद हमने मैरिज के यहाँ पे जो टाइप्स हैं वो हमने देखे थे, जैसे कि यहाँ पे मोनोगैमी के बारे में देखा। मोनोगैमी में क्या था, एक हस्बैंड होगा और यहाँ पे उसकी एक वाइफ होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे पोलोगैमी देखा था, पोलीगैमी में क्या था, यहाँ पे एक हस्बैंड होगा और उसकी यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे पत्नी होंगी। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे क्या होंगी, पत्नियाँ होंगी। तो ये हमने पोलीगैमी में देखा था। ठीक है, उसको बाद यहाँ पे पोलीएंड्री देखने को मिलेगा सिस्टम। पोलीएंड्री में क्या था, यहाँ पे एक पत्नी होगी, यहाँ पे एक वाइफ होगी और यहाँ पे उसके बहुत सारे यहाँ पे हस्बैंड्स होंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम हमने यहाँ पे देखा था मैरिजेस के बारे में। उसके बाद यहाँ पे मनुस्मृति के बारे में यहाँ पे बताया था। मनुस्मृति में यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो हायर वर्न्स हैं, अपर वर्न्स है यहाँ पे, उसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इनके बारे में कि उसे यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जो लोअर वर्न हो गया जैसे दलित हो गया, वुमेन हो गया, इन्हें यहाँ पे निमिन बताया गया है। ठीक है, मनुस्मृति में। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो मैरिज है इसमें हस्बैंड की आपको यहाँ पे जो एज है वो 25 साल देखने को मिलेगी और जो यहाँ पे लड़कियों की उम्र बताई गई है वो 12 साल यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, मनुस्मृति में यहाँ पे। और यहाँ पे आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें, और इसमें यहाँ पे 16 संस्कार के बारे में यहाँ पे बताए गए हैं और इसमें 8 तरह के जो मैरिजेज हैं यहाँ पे टाइप उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। 4 आश्रम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आश्रम, तो ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया, लेकिन हम इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने गोत्र सिस्टम किया था कि यहाँ पे कि एक यहाँ पे गोत्र में यहाँ पे शादी नहीं करनी चाहिए, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमने जो पार्ट नंबर 1 में किया था। आगे हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 में, यहाँ पे सोशल डिफरेंसेस के बारे में देखते हैं कि क्या यहाँ पे सोशल डिफरेंस थे। यहाँ पे ये जो वर्ण यहाँ पे एक सिस्टम था उसके अंदर और उसके परे, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो एक राइट ऑक्यूपेशन, ठीक है, यहाँ पे सही जो एक जीविका थी उसके बारे में हम देख लेते हैं। सो धर्मसूत्र हो गए, धर्मशास्त्र हो गए, इन सभी में यहाँ पे जो रूल्स लिखे हुए हैं 4 वर्ण के बारे में कि उनकी यहाँ पे जो जीविका होगी, ठीक है, रोजगार, यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन होगा वो क्या क्या होंगे, किस प्रकार के होंगे, यहाँ पे इनमें डिटेल में लिखा हुआ है। धर्मसूत्र में, धर्मशास्त्र में सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इन्हीं को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। यहाँ पे 4 वर्ण आपको देखने को मिलेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, 4 बार रिपीट करोगे याद हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्राह्मण देखने को मिलेंगे, क्षत्रिय देखने को मिलेंगे, वैश्य देखने को मिलेंगे, शूद्र देखने को मिलेंगे। इन चारों के यहाँ पे जो ऑक्यूपेशंस हैं, मतलब कि क्या क्या इनके द्वारा कार्य किए जाते थे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे टीचर थे और यहाँ पे प्रिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, टीचर हुआ करते थे, प्रिस्ट हुआ करते थे, मतलब कि ब्राह्मण यानी कि पंडित जो थे। ठीक है, इनका काम क्या था, इनका काम था यहाँ पे वेद को पढ़ना, जो वेद थे उन्हें पढ़ना,
और यहाँ पे उन्हें शिक्षा देना लोगों को, ठीक है, उसके उनके पास यहाँ पे बहुत सारे शिष्य आते थे, तो उन्हें यहाँ पे पढ़ाने का कार्य भी करते थे जो ब्राह्मण लोग थे। और यहाँ पे क्या थे कि यज्ञ को करना और करवाना, ये दोनों कार्य भी इनके हुआ करते थे ब्राह्मण्स के, ठीक है। एक तो यहाँ पे यज्ञ किया करते थे, मतलब कोई भी क्षत्रिय आ गया, वेश्याज आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो इनके यहाँ पे यज्ञ किया करते थे और खुद भी करवाया करते थे। मान लो कि एक ब्राह्मण के घर में यज्ञ करवाना है, ऐसे तो यानी वो खुद ही बैठ जाएगा यहाँ पे यज्ञ करने के लिए। पहले यहाँ पे जो बहुत सारे ब्राह्मण्स की आवश्यकता होती थी यज्ञ करवाने के लिए, एक ऐसा भी समय आया था जिसमें 15-15, 16-16 ब्राह्मण्स की आवश्यकता होती थी, ठीक है। हालांकि हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा भी नहीं करेंगे, हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे यज्ञ इनके द्वारा भी करवाए जाते थे। अब ऐसे में ये दूसरे जो ब्राह्मण होते थे उन्हें बुलाते थे और अपने घर में यहाँ पे यज्ञ करवाते थे। और यहाँ पे ये क्या करते थे, ये गिफ्ट्स को लेते थे, यहाँ पे जो दान दक्षिणा होती थी, ठीक है, जिनके यहाँ पे यज्ञ करते थे वो यहाँ पे ब्राह्मण्स को देते थे, और यहाँ पे ये दान लेते तो थे साथ में यहाँ पे लोगों को दान दिया भी करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे कार्य थे किसके, ब्राह्मण्स के, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर्स थे, प्रीस्ट थे, इनका कार्य क्या था, यहाँ पे वेद को पढ़ना और पढ़ाना, और काम क्या था, यहाँ पे यज्ञ करना और करवाना, और काम क्या थे, यहाँ पे तोहफे लेना और देना, ठीक है। ये सारे कार्य आपको ब्राह्मण्स के देखने को मिलेंगे। उसके बाद चलते हैं हम क्षत्रियज के ऊपर। क्षत्रियज यहाँ पे क्या थे, ये रूलर्स थे और एडमिनिस्ट्रेशन थे, मतलब कि यहाँ पे ये शासन करते थे और प्रशासन का कार्य व्यवस्था भी यहाँ पे देखते थे कि किस प्रकार से यहाँ पे अपने राज्य में प्रशासन यहाँ पे करना है, रखरखाव करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, लोगों को क्या क्या सुविधाएं देनी है, ये सारे कार्य यहाँ पे किए जाते थे क्षत्रियज के द्वारा, ठीक है। वॉरफेयर, अगर कोई भी युद्ध होता था वो कार्य किनका था, क्षत्रिय का कार्य था। यहाँ पे लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, ये कार्य क्षत्रिय का हुआ करता था। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे जैसे लोगों को न्याय दिलाना, ये कार्य भी किनका हुआ करता था, क्षत्रिय का हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पे वेद ये भी पढ़ा करते थे, और यहाँ पे ये यज्ञ को करवाया करते थे, ठीक है। ब्राह्मण लोग आते थे यहाँ पे, क्षत्रिय जो राजा महाराजा होते थे उनके यहाँ पे यज्ञ किया करते थे, और यहाँ पे बदले में ये तोहफे दिया करते थे, ठीक है। तो ये सारे कार्य किनके थे, राजा के हुआ करते थे। क्षत्रिय कौन थे, यहाँ पे रूलर्स थे, और यहाँ पे कौन थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, यहाँ पे न्याय दिलाना, उन्हें यज्ञ करना, वेद पढ़ना, यहाँ पे यज्ञ कराना, वेद पढ़ना हो गया, तो ये सारे इनके काम थे यहाँ पे क्षत्रियज के, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे वेश्याज। वेश्याज यहाँ पे इनके जो काम थे वो क्या थे, यहाँ पे ये लास्ट जो तीन काम है ये भी कौन करते थे, वेश्याज, मतलब कि वेद पढ़ना, ये भी यहाँ पे इन्हें अलाउड था वेश्याज को, ये वेद को पढ़ सकते थे, और यहाँ पे ये यज्ञ भी करवा सकते थे, ये भी इन्हें अलाउड था, और यहाँ पे गिफ्ट भी दिया करते थे, ये भी इन्हें अलाउड था वेश्याज को। इन तीनों के अलावा और क्या क्या काम होते थे वेश्याज के, वो थे यहाँ पे एग्रीकल्चर, मतलब खेती करनी है, वेश्याज के काम हुआ करते थे। कैटल रेयरिंग, पशुपालन, ये भी किनका काम होता था यहाँ पे वेश्याज का। व्यापार करना है, ये भी किनका काम होता था, वेश्याज का। मेटल वर्कर्स हो गया, आर्टिशंस हो गए, मतलब ये जो कोई भी चीज़ें बनाना यहाँ पे धातुओं की, लोहे की, व्हाटएवर, ये सारे काम भी किनके हुआ करते थे, वेश्याज के हुआ करते थे, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे वेश्याज के बारे में। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे फोर्थ वर्ण है वो है शूद्र। शूद्र का काम होता था यहाँ पे, जो अपर तीन वर्ण है यहाँ पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन्हें यहाँ पे सेवा प्रदान किया करते थे। ये काम कि इनके हुआ करते थे, ये शूद्र के हुआ करते थे। समझ में आया यहाँ पे चारों सिस्टम के बारे में, बार बार रिपीट करोगे, याद अभी से हो जाएगा, बाद में पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो धर्मशास्त्र हैं, धर्म सूत्र हैं, यहाँ पे आपको इनके नियम देखने को मिलेंगे, ठीक है। नियम मतलब कि यहाँ पे इन्हें लागू करवाया जाता था ये सिस्टम को, वो किस प्रकार से लागू, इसके यहाँ पे जो नियम है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तीन नियम्स के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। पहला नियम आपको देखने को मिलेगा, वो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, कि यहाँ पे ये जो वर्ण सिस्टम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये इनका यहाँ पे जो उत्पत्ति होती है वो क्या है, यहाँ पे एक दैवीय उत्पत्ति से हुआ है, मतलब कि एक डिवाइन ओरिजिन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो ब्राह्मण्स है, यहाँ पे ऋग्वेदा में यहाँ पे एक मंत्र लिखा हुआ है, उसका बार बार उच्चारण करते हैं यहाँ पे, पुरुषुक्ता, ठीक है। वहाँ से यहाँ पे बताया गया है कि ये जो वर्ण सिस्टम है यहाँ पे, तो यहाँ पे चार वर्ण की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा से हुई है। यहाँ पे जो ब्राह्मण
ब्राह्मण की उत्पत्ति यहाँ पे मुख से यहाँ पे हुई है, ठीक है, ब्रह्मा जी के। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय की यहाँ पे जो उत्पत्ति हुई है यहाँ पे इनके हाथों से यानी कि इनके बाजुओं से हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैश्यज हैं इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो इनके थाई से हुई है, ठीक है, ब्राह्मण के थाई से इनकी उत्पत्ति हुई है। शूद्र की यहाँ पे जो उत्पत्ति हुई है वो पैरों से हुई है, ठीक है, शूद्र की उत्पत्ति यहाँ पे पैरों से हुई है, ठीक है, याद रखना। ब्राह्मण की उत्पत्ति यहाँ पे मुख से हुई है, मुख से हुई है ब्राह्मण की यहाँ पे। और यहाँ पे जो क्षत्रियज हैं उसके बाद यहाँ पे नीचे जो आपको ये बाजू देखने को मिलेगी यहाँ पे क्षत्रिय की उत्पत्ति होती है, यहाँ पे जो थाई देखने को मिलेगा यहाँ से उत्पत्ति यहाँ पे वैश्यज की देखने को मिलेगी, पैरों से यहाँ पे शूद्र की देखने को मिलेगी, ठीक है। पुरुष सूक्ता यहाँ पे ऋग्वेदा में यहाँ पे वर्ष है एक, इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये वाला सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो एंशियंट समय में, प्राचीन समय में यहाँ पे सबसे पहले ऋग्वेदिक पीरियड में आपको जो देखने को मिलेगा, ऋग्वेदिक पीरियड में ऋग्वेदा, इसमें क्या था कि यहाँ पे ये जो वर्ण सिस्टम था यहाँ पे, मतलब ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, ये यहाँ पे उनके कार्य के अकॉर्डिंग यहाँ पे था, मतलब कि जिस प्रकार के वो कार्य करता था उस प्रकार का यहाँ पे ये वर्ण सिस्टम उनका था। मतलब कि आपको एक ही फैमिली में यहाँ पे ये चारों वर्ण भी देखने को मिलेंगे। किस प्रकार से देखने को मिलेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक फैमिली में यहाँ पे एक कौन है, दादा यहाँ पे, और एक यहाँ पे माता पिता हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे उसके यहाँ पे दो यहाँ पे बच्चे हो गए, ठीक है, मान लो चलो तीन बच्चे हो गए यहाँ पे, ये हम मान के चलते हैं एक पूरा फैमिली का ग्राफ। यहाँ पे दादाजी, अब यहाँ पे ये रिटायर हो चुके हैं, यहाँ पे ये पूजा पाठ करते हैं, वेद को पढ़ते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे ये सारे कार्य करते हैं, अब यहाँ पे ये क्या होंगे, ये होंगे यहाँ पे ब्राह्मण, ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होंगे, ब्राह्मण होंगे, समझ में आया, ये क्या हो गए यहाँ पे ब्राह्मण हो गए। उसके बाद यहाँ पे जो फादर है ये क्या है, यहाँ पे कार्य करते हैं, ये क्या करते हैं कि अपनी फैमिली को बचाने का कार्य करते हैं यहाँ पे, या अपना एक जो ग्रुप है यहाँ पे, जो समुदाय है यहाँ पे, उसे बचाने का कार्य करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सभी लोग इनके पास जाते हैं अगर कोई भी यहाँ पे परेशानी होती है तो। यहाँ पे ये क्या होंगे, यहाँ पे ये होंगे यहाँ पे क्षत्रिय, ये क्या होंगे यहाँ पे फादर, यहाँ पे क्षत्रिय होंगे, क्योंकि यहाँ पे काम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ण डिसाइड हुआ करता था पहले के समय में, ठीक है, ऋग्वेदिक पीरियड में। और यहाँ पे जो यहाँ पे बच्चे हैं ये क्या है, यहाँ पे व्यापार करते हैं, ठीक है, कोई यहाँ पे लोहार का काम करता है, कोई यहाँ पे सुनियार का काम करता है, मतलब कि जेवर वगैरह बनाना, ठीक है, सोने वगैरह के। तो ये क्या होंगे यहाँ पे वेश्याज होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे यहाँ पे वेश्याज होंगे। अब यहाँ पे जो मदर है, मदर क्या है यहाँ पे, ये हाउस वाइफ है, तो ये क्या होंगी यहाँ पे सभी की यहाँ पे सेवा करती है यहाँ पे, मतलब कि खाना वगैरह बनाना, घर का काम काज का काम करना, ठीक है, ये सब कुछ करती। तो ये क्या होगी यहाँ पे शूद्र होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही फैमिली में आपको चारों वर्ण देखने को मिलेंगे। पहले के समय में ये जो वर्ण होता था यहाँ पे काम के अकॉर्डिंग हुआ करता था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड आ जाता है, लेटर यहाँ पे ये वैदिक पीरियड लिखना था, ठीक है, वैदिक पीरियड, जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड यहाँ पे आता है तो यहाँ पे ये जो काम के आधार पे वर्ण सिस्टम था यहाँ पे, अब ये जाति के आधार पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जाति के आधार पे यहाँ पे ये वर्ण सिस्टम हो जाता है, ठीक है, जाति के आधार पे यहाँ पे आपको ये वर्ण सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलेगा इसमें, लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है, समझ में आया है। यहाँ पे पहले यहाँ पे काम के आधार पे हुआ करता था, बहुत ही अच्छा सिस्टम था यहाँ पे, ये जो काम के आधार पे वर्ण सिस्टम होता था, लेकिन यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ पे ये बिल्कुल ही तहस नहस हो चुका था, ये जन्म के आधार पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि बाय बर्थ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जन्म से ही यहाँ पे आधार ये कह दिया जाता था कि अगर कोई यहाँ पे ब्राह्मण के घर में किसी ने यहाँ पे जन्म लिया तो वो यहाँ पे ब्राह्मण ही होगा बाय जन्म, बेशक वो यहाँ पे कोई कार्य नहीं करता, बेशक यहाँ पे वो व्यापार कर रहा है, फिर भी वो ब्राह्मण ही होगा। अगर कोई यहाँ पे क्षत्रिय कुल से यहाँ पे जन्म ले रहा है तो वो क्षत्रिय ही होगा बाय बर्थ से, ठीक है,
यहाँ पे वो कोई भी काम करे, डजंट मैटर यहाँ पे, लेकिन जन्म से ही यहाँ पे ये जो सिस्टम था ये लेटर वैदिक पीरियड में शुरू हो चुका था। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे, ये सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए नॉलेज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला समझ में आया यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो राजा था ये क्या करता था यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे ब्राह्मण्स के द्वारा यहाँ पे बातें बोली जाती थी उन्हें लागू करवाने की जिम्मेदारी होती थी अपने राज्य में। ये जिम्मेदारी किसकी होती थी? राजा की होती थी। ठीक है, कौन करवाता था? ब्राह्मण करवाते थे कि हाँ ये यहाँ पे लागू होना चाहिए अपने राज्य में, तो राजा यहाँ पे ये करवाता था। तो ये दूसरा नियम यहाँ पे हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा नियम था वो क्या था यहाँ पे कि यहाँ पे लोगों को मनाना कि यहाँ पे ये जो स्टेटस है यहाँ पे ये जन्म के आधार पे है, मतलब कि बाय बर्थ आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक कार्य भी यहाँ पे ब्राह्मण्स के द्वारा यहाँ पे दिया गया कि यहाँ पे ये लोगों को मनाना, ये किनकी जिम्मेदारी? राजा की। ठीक है, यहाँ पे कि उनका जो जन्म से ही यहाँ पे स्टेटस निर्धारित हो चुका है, मतलब कि अगर कोई ब्राह्मण कुल से जन्म ले रहा है तो वो जन्म से ही ब्राह्मण होगा, अगर कोई क्षत्रिय से यहाँ पे कुल से पैदा हो रहा है तो वो क्षत्रिय। ठीक है, तो ये सिस्टम यहाँ पे इनके द्वारा लागू कर दिया गया था। आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं, यहाँ पे नॉन क्षत्रिय किंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो धर्म सूत्र हैं, धर्म शास्त्र हैं, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो राज्य करेगा वो कौन करेगा? क्षत्रिय। ये क्षत्रिय का कार्य है यहाँ पे, ब्राह्मण का कार्य मैंने बता दिया, क्षत्रिय का बता दिया, वैश्य का बता दिया, शूद्र का बता दिया। जो क्षत्रिय होंगे वो यहाँ पे रूल करेंगे, तो ये यहाँ पे धर्मशास्त्र में लिखा गया। लेकिन यहाँ पे अभी सिचुएशन चेंज होने लग जाती है धीरे धीरे 600 BC से ऑनवर्ड आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे महाजनपद यहाँ पे आपको अस्तित्व में आने लगेंगे यहाँ पे 600 BC के ऑनवर्ड्स, वैसे यहाँ पे जो रूल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। कोई क्षत्रिय यहाँ पे रूल कर रहा है, कोई ब्राह्मण रूल कर रहा है, कोई ऐसे पता लगा कि यहाँ पे शूद्र, जो शूद्र यहाँ पे वर्ण से है वो भी यहाँ पे रूल कर रहा है। तो इस प्रकार के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। शास्त्र में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो क्षत्रिय हैं ये ही सिर्फ राजा हो सकते हैं, ये शास्त्र में लिखा हुआ है, जैसे कि अभी हमने लास्ट में देखा। लेकिन बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पे आपको रूलर्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग ओरिजिन उनका देखने को मिलेगा। कोई ब्राह्मण कुल से आ रहा है, कोई यहाँ पे शूद्र से आ रहा है। यहाँ पे मौर्य यहाँ पे एक बहुत बड़ा एम्पायर था। ठीक है, हमने इसके बारे में देखा था यहाँ पे कि जो मौर्य था, ठीक है, नंद डायनेस्टी को ख़त्म करके मौर्य डायनेस्टी आ जाती है। तो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट यहाँ पे आपको जो बुक्स आपको देखने को मिलेंगी, इसमें यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पे क्या बताया गया है कि क्षत्रिय है वो। ठीक है, वो क्या है यहाँ पे? क्षत्रिय। लेकिन यहाँ पे जो ब्राह्मण्स के यहाँ पे जो ये आपको रिलीजियस बुक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी, इनमें बताया गया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो लो ओरिजिन से था, मतलब कि वो क्या था यहाँ पे? शूद्र था। ठीक है, तो ये बताया गया। तो यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से वो ठीक है लो यहाँ पे ओरिजिन से आ रहा है, शूद्र से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्राह्मणिकल आपको टेक्स्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पे शूद्र कैटेगरी का बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद के जो वंश आगे आते हैं डायनेस्टीज आती है, जैसे शुंग डायनेस्टी होगी, कान्वा डायनेस्टी होगी, ये कौन थे यहाँ पे? ब्राह्मण थे। ठीक है, इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो ब्राह्मण्स, ठीक है, यहाँ पे ये कौन होते हैं? ब्राह्मण्स होते हैं। अब यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल पावर होती है, राजनीतिक जो शक्ति होती है यहाँ पे, ये किसी के हाथों में हो सकती है, लेकिन बेशर्त है यहाँ पे कि वो आदमी यहाँ पे जिसके पास पॉलिटिकल पावर होगी, एक तो उसके पास इतनी समर्था होनी चाहिए कि वो एक लोगों का समूह यहाँ पे जुटा सके, लोगों का एक सपोर्ट हासिल कर सके। पहले उसमें ये खूबी होनी चाहिए। दूसरी यहाँ पे उसमें खूबी ये होनी चाहिए कि जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उन्हें वो जुटा पाए। ये अगर दो खूबियाँ किसी भी व्यक्ति में हैं तो वो यहाँ पे राजा बन सकता है। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है, पॉलिटिकल पावर यहाँ पे किसी के हाथों में हो सकती है। बस यहाँ पे दो शर्तें हैं कि एक यहाँ पे उससे सपोर्ट यहाँ पे मिलना चाहिए, दूसरा यहाँ पे रिसोर्सेज को, वो संसाधनों को जुटा पाए। ये दो चीज़ें अहम होती हैं। जो शख्स थे
इसके बारे में हमने देखा था कि ये किस प्रकार से यहाँ पे सेंट्रल एशिया से आए थे, अलग अलग वेव्स में आए थे, ये हमने मैप की क्लासेस में मैंने आपको डिटेल में शख्स के बारे में बताया था। तो यहाँ पे क्या समझा जाता था, इन्हें मलेच्छ समझा जाता था। मलेच्छ यहाँ पे क्या होते हैं कि अनसिविलाइज्ड पीपल होते हैं, आउटसाइडर्स को बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि जिन्हें पढ़ने लिखने का यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ नहीं है, पता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाता है मलेच्छ बोला जाता है। तो शख्स को यहाँ पे किस प्रकार से दर्शाया गया, मलेच्छ, आउटसाइडर्स या अनसिविलाइज्ड यहाँ पे लोग यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है, ब्राह्मण्स के द्वारा शख्स को। तो यहाँ पे लेकिन आप यहाँ पे हैरान हो जाओगे कि यहाँ पे जो शख्स हैं इन्हें यहाँ पे मलेच्छ यहाँ पे कह के संबोधित किया गया है यहाँ पे कि ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं, इन्हें पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है। लेकिन मैंने साथ में ही यहाँ पे मैप क्लासेस में आपको इंस्क्रिप्शंस में मैंने बताया था कि यहाँ पे कि जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन मिली है, ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो कहाँ पे, गुजरात में, जो यहाँ पे गिर माउंटेन है, यहाँ पे गिर की पहाड़ी है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे जो रुद्रदामन यहाँ पे शख्स यहाँ पे राजा हुए थे, तो इनके द्वारा यहाँ पे ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ये किस में लिखवाया गया, संस्कृत में। तो यहाँ पे याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ये पहला यहाँ पे सिर्फ यही आपको संस्कृत भाषा में इंस्क्रिप्शन अभिलेख देखने को मिलेगा, जूनागढ़ अभिलेख, ये रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था। रुद्रदामन में यहाँ पे तीन राजाओं के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। पहला यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे जो सुदर्शन लेक है वो बनवाई थी और इसका यहाँ पे जो रिपेयर का काम करवाया था वो रुद्रदामन ने करवाया था। और यहाँ पे एक तीसरा राजा मैंने बताया था, ये आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर है, मैप क्लासेस में आई होप आप साथ साथ में मैप क्लासेस भी कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि वो अनसिविलाइज्ड यहाँ पे उन्हें कहना उचित होगा या नहीं। अब देखो यहाँ पे रुद्रदामन शख्स के यहाँ पे जो राजा हुए थे उन्हें यहाँ पे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे संस्कृत का भी ज्ञान था, ठीक है, संस्कृत का भी उन्हें ज्ञान था, उनके द्वारा यहाँ पे लिखवाया गया था, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। हम गौतमी पुत्र सातकर्णी यहाँ पे सातवाहन रूलर थे, इन्होंने यहाँ पे ये दावा किया था कि वो ब्राह्मण है और यहाँ पे ये जो क्षत्रियाज हैं उनका नाश करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके द्वारा ये बात यहाँ पे बोली गई, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो सातवाहन के यहाँ पे एक राजा हुए थे, और यहाँ पे इनके द्वारा ये बात भी बोली गई थी कि इंटरमैरिज यहाँ पे नहीं होगी, इंटरमैरिज यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन ये जो चार वर्ण्स हैं, ठीक है, चार वर्ण्स में यहाँ पे इंटरमैरिज नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि जो मैरिज अलाइंसेस हैं वो यहाँ पे स्थापित किए, कहाँ पे, शख्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सातवाहन रूलर थे, इसके बाद बावजूद भी यहाँ पे इन्होंने जो शख्स हैं उनके साथ यहाँ पे मैरिज अलाइंसेज यहाँ पे किए थे, क्योंकि यहाँ पे जो रुद्रदामन था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, उसने यहाँ पे सातवाहन रूलर को यहाँ पे हरा दिया, हराने के बाद यहाँ पे मैरिज अलाइंसेज दोनों के बीच में हो जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़े चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे, एक तो था यहाँ पे कि यहाँ पे जो सोशल डिफरेंसेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इन्हें अनसिविलाइज्ड यहाँ पे बोला जाता था, लेकिन यहाँ पे उसके बाद भी इन्हें यहाँ पे संस्कृत की यहाँ पे बहुत अच्छी पकड़ हुआ करती थी, तो इसके हमें एविडेंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि यहाँ पे जो इंटरमैरिज के ऊपर यहाँ पे रोक लगाई गई थी, वर्ण में आप इंटरमैरिज यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी, ठीक है, चार वर्ण्स के बीच में आप इंटरमैरिज नहीं हो सकती, मतलब कि आप ऐसे नहीं है कि एक वर्ण का जो व्यक्ति है वो दूसरे मैरिज वर्ण में यहाँ पे मैरिज नहीं कर सकता, मतलब कि जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय में मैरिज नहीं कर सकता, जो क्षत्रिय है वो शूद्र में नहीं कर सकता, ब्राह्मण यहाँ पे जो शूद्र है यहाँ पे उसमें नहीं कर सकते, तो इस प्रकार से यहाँ पे रोक लगाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है यहाँ पे इसने शख्स के साथ यहाँ पे जो दूसरे वर्ण से आते थे उनसे यहाँ पे ये सिस्टम यहाँ पे मैरिज अलाइंस किए,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को कुछ और मिलेगा, यहाँ पे उनके द्वारा किया कुछ और जाता था, मतलब कि यहाँ पे ये सिस्टम थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं जातिस के बारे में, सोशल मोबिलिटी के बारे में, सामाजिक जो गतिशीलता थी उसके बारे में देख लेते हैं। सो ब्राह्मणिकल थ्योरी में यहाँ पे जो जाति है उसे भी वर्ण की तरह ही यहाँ पे बर्थ के ऊपर ही यहाँ पे आधारित था, मतलब कि जैसे वर्ण बाय बर्थ हुआ था वैसे ही यहाँ पे जो जाति है वो भी बाय बर्थ ही होगी, ठीक है। वर्ण आपको चार देखने को मिलेंगे लेकिन जाति की कोई संख्या नहीं है, ये आपको हजारों में देखने को मिलेंगी जो जातिज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्राह्मणिकल यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं, जब यहाँ पे किसी भी एक नए समुदाय से मिलते थे या एक नए ग्रुप से मिलते थे तो यहाँ पे अब उन्हें यहाँ पे जो वर्ण में यहाँ पे स्थान दे पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, तो यहाँ पे उनकी एक अलग जाति यहाँ पे निर्धारित कर दी जाती थी। यहाँ पे ये जो जाति निर्धारित की जाती थी यहाँ पे उनकी यहाँ पे काम के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कर दी जाती थी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे ब्राह्मणिकल अथॉरिटी जब भी किसी नए ग्रुप से मिलती थी, जैसे कि जो निषद थे यहाँ पे जंगलों में रहते थे, जो निषद थे यहाँ पे कहाँ पे रहते थे, जंगलों में रहते थे, या अगर कोई भी यहाँ पे ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज मतलब कि कोई भी यहाँ पे कार्य कर रहा है, कोई भी रोजगार यहाँ पे कर रहा है जैसे कि गोल्ड स्मिथ कर रहा है, तो उसे यहाँ पे जाति के आधार पे उन्हें क्लासीफाई किया जाता था, उनकी एक अलग जाति यहाँ पे बना दी जाती थी यहाँ पे इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो जाति थी यहाँ पे इनका कॉमन ऑक्यूपेशन भी हो सकता था, यहाँ पे उन्हें जो गिल्ड्स हैं, गिल्ड्स क्या होती है यहाँ पे श्रेणी या ग्रुप, उनके अकॉर्डिंग भी उन्हें यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया जाता था, ठीक है, जो जाति हुआ करती थी। अब यहाँ पे हमें एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें हमें इस प्रकार के कुछ यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पे इनकी जो जाति है यहाँ पे वो यहाँ पे उनके जो काम के आधार पे यहाँ पे जो उनके ग्रुप के आधार पे भी यहाँ पे कर दी जाती थी। जैसे एक स्टोन इंस्क्रिप्शन आपको मंडसर में देखने को मिलेगा, ठीक है, मंडसर में आपको एक देखने को मिलेगा। ये मंडसर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। मंडसर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था, दशपुर था। मंडसर का पुराना नाम क्या था, यहाँ पे दशपुर देखने को मिलेगा, मंडसर मध्य प्रदेश में, ठीक है। पांच बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा, एम से मंडसर, एम से मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये एक ग्रुप रहा करता था किनका, यहाँ पे ये गुजरात का जो लाट है, गुजरात का जो लाट है यहाँ पे एक सिल्क वीवर्स का ग्रुप रहा करता था जो यहाँ पे गुजरात को छोड़ के कहाँ पे चले गए, मध्य प्रदेश के मंडसर में चले गए थे, ठीक है। सिल्क वीवर्स का एक ग्रुप हुआ करता था, गुजरात के लट में रहा करते थे लाट, ठीक है, लाट बोला जाता है, लाट को छोड़ के वो कहाँ पे चले गए, मध्य प्रदेश के मंडसर में चले गए थे, ठीक है। सिल्क वीवर्स का एक ग्रुप था। यहाँ पे एक स्टोन इंस्क्रिप्शन हमें इस प्रकार का भी मिला है, ठीक है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे जो संस्कृत टेक्स्ट थे या इंस्क्रिप्शन थे, यहाँ पे संस्कृत टेक्स्ट हो गए और इंस्क्रिप्शन हो गए। यहाँ पे जो मर्चेंट मतलब क्या होते हैं, व्यापारी लोगों को यहाँ पे क्या बोला गया, वणिक बोला गया। यहाँ पे जो सांस्कृतिक टेक्स्ट हो गए या बहुत सारे अभिलेख इस प्रकार के मिले हैं, वहाँ पे व्यापारियों के लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया गया, दैट इज़ कॉल्ड वणिक, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वणिक किन्हें बोला जाता है। यहाँ पे व्यापारियों को बोला जाता है, वणिक नाम याद रखना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि जो व्यापार है, जो ट्रेड है, ये किनके लिए हुआ करता था, यहाँ पे वेश्यास के लिए हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है। ये हमने देखा यहाँ पे शास्त्र में, जितने भी यहाँ पे वेश्यास के बारे में लास्ट धर्म सूत्र हो गए, धर्म शास्त्र हो गए, मनुस्मृति होगी, इनमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो व्यापार है वो किनका कार्य है, वो यहाँ पे वेश्यास का। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ और भी जानने को मिला, क्या जानने को मिला यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे इस प्रकार के जो प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे मरीचिकटिकम हो गया, ठीक है। मरीचिकटिकम किसके द्वारा लिखा गया, शूद्राका के द्वारा लिखा गया। मरीचिकटिकम किसके द्वारा लिखा गया, शूद्राका के द्वारा लिखा गया। मरीचिकटिकम शूद्राका के द्वारा, ठीक है, बार बार रिपीट करना याद हो जाएगा। इसमें यहाँ पे जो चारुदत्त हैं वो एक ब्राह्मण है,
जो चारू दत्त है वो क्या है, यहाँ पे एक ब्राह्मण है और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे वणिक है, मतलब कि व्यापारी है। ब्राह्मण होने के बावजूद भी ये क्या है, यहाँ पे व्यापारी है। किसमें लिखा गया है यहाँ पे, मरीच कटिकम में लिखा गया। मरीच कटिकम किसके द्वारा लिखी गई थी यहाँ पे, ये लिखी गई थी शुद्राका के द्वारा, ठीक है, शुद्राका के द्वारा मरीच कटिकम लिखी गई थी। ये मैं क्यों बार बार यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि UPSC में आज के समय में जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे NCERT को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जो साइड में इंफॉर्मेशन दी होती है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो UPSC में क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन है उसे शॉर्ट में मैं एक जगह यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे UPSC के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे रहेंगे, ये नाम आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, यहाँ पे बुक्स में क्या क्या लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मरीच कनिकम यहाँ पे शुद्राका के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पे चारू दत्त को एक ब्राह्मण है जो उसे यहाँ पे एक वणिक के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार की आपको कई स्टेटमेंट यहाँ पे UPSC में दी जाती है यहाँ पे, जिसके बारे में आपको यहाँ पे देखना होता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। उसमें हो सकता है कि इस प्रकार से दे दिया जाए कि यहाँ पे जो हमें शास्त्र में यहाँ पे देखने को मिलेगा, धर्मशास्त्र मनुस्मृति वगैरह जितने भी, उसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो ब्राह्मण है वो सिर्फ यहाँ पे प्रीस्ट का और यहाँ पे ये जो टीचिंग का काम ही किया करते थे, इसके अलावा कोई और कार्य नहीं करते थे। इस प्रकार की नॉलेज हमें मनुस्मृति धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में देखने को मिलती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हमें इस प्रकार के भी यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ये बुक होगी, ठीक है, इसमें यहाँ पे ब्राह्मण को एक वेश्यास के द्वारा जो कार्य किया गया वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक इंस्क्रिप्शन इस प्रकार की भी पाई गई है जिसमें यहाँ पे दो भाई हैं, वो क्या है, यहाँ पे क्षत्रियज हैं, ठीक है, वो क्षत्रियज हैं लेकिन वो व्यापार का काम करते हैं, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे दान दक्षिणा दी गई, इवन कि यहाँ पे जो मंदिर का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो भी क्षत्रिय जो वणिक हैं इनके द्वारा कराया गया, ठीक है। इस प्रकार के भी एविडेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बियॉन्ड दी फोर वर्नास, चार वर्ण से परे हम देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, एकीकरण के बारे में हम जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो चार वर्ण के अलावा यहाँ पे इनमें एक आपस में यहाँ पे किस प्रकार से ये मिलजुल के रहने लग जाते हैं, इनमें जो आपको सोशल डिफरेंसेस जो थे वो आपको एक कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे एक प्रकार के। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। सोशल प्रैक्टिसेस यहाँ पे जो ट्राइबल लोगों की है, ट्राइबल जो लोगों की सोशल प्रैक्टिस देखने को मिलेगी यहाँ पे, ये इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस प्रभावित नहीं होती है कि इनसे, ये जो ब्राह्मणिकल यहाँ पे आइडियाज़ हैं इनसे। देखते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे इन्हें हमेशा से जो ट्राइबल यहाँ पे सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी, इन्हें ओल्ड के यहाँ पे संबोधित किया गया, अनसिविलाइज्ड के यहाँ पे पुकारा गया, या इवन कि इन्हें एनिमल लाइक पीपल भी यहाँ पे बोला गया, ये जो लोग थे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये जो लोग थे, अब यहाँ पे एक तो एग्रीकल्चर में आसानी से यहाँ पे ये सम्मिलित नहीं हो सकते थे यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा इनके द्वारा यहाँ पे जो संस्कृत भाषा है वो भी नहीं बोली जाती थी, तो इन्हें यहाँ पे मलेच के यहाँ पे संबोधित किया जाता था, या आउटकास्ट के संबोधित किया जाता था, या इन्हें यहाँ पे समाज में बिल्कुल ही निम्न यहाँ पे समझा जाता था ये जो लोग हुआ करते थे, ठीक है, समझ में आया इतना यहाँ पे। लेकिन आपको यहाँ पे इसके बावजूद भी यहाँ पे जो हायर वर्न्स हैं और यहाँ पे ये जो लोअर वर्न्स हैं इनमें आपको आइडिया शेयरिंग, ठीक है, ये सारी यहाँ पे आपको बिलीव्स हो गए ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हायर वर्न हो गए, यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट डिवेलर्स हो गए, ठीक है, किस प्रकार के देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेते हैं महाभारता की। महाभारता में एक आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिलेगी गुरु द्रोणाचार्य की और यहाँ पे एकलव्य की। एकलव्य यहाँ पे एक बार यहाँ पे गुरु द्रोण के पास जाते हैं यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मना कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं यहाँ पे, तो एक मिट्टी की यहाँ पे मूर्ति बनाते हैं गुरु द्रोण की, उन्हें अपना गुरु समझ के यहाँ पे वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं।
और यहाँ पे जो गुरु द्रोणाचार्य होते हैं ये यहाँ पे अर्जुन को, जो अर्जुन यहाँ पे पांडव में तीसरे नंबर के जो होते हैं पांडव, यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे तीरंदाज था, और यहाँ पे गुरु द्रोण के द्वारा बोला जाता है कि मैं तुम्हें भारत वर्ष में सबसे श्रेष्ठ यहाँ पे धनुर्धर बनाऊँगा। तो ये यहाँ पे गुरु द्रोण किन्हें बोलते हैं, यहाँ पे अर्जुन को बोलते हैं। अब ऐसे में यहाँ पे जब इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे जो एकलव्य है इसे यहाँ पे जो तीरंदाजी है इतनी शानदार है कि पूरे विश्व में इसे यहाँ पे कोई भी हरा नहीं सकता, तो इस प्रकार की इसकी तीरंदाजी थी। जैसे यहाँ पे गुरु द्रोण को पता चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे, तो इनके द्वारा जैसे कि यहाँ पे क्या करते हैं कि आँखों पे पट्टी बांध के यहाँ पे ऊपर यहाँ पे तीर छोड़ते हैं, तो यहाँ पे जो कुत्ता होता है यहाँ पे उसके मुंह में 5 तीर लगते हैं, तो वो जैसे बऊ बऊ कर रहा होता है यहाँ पे भोंक रहा होता है तो उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे बाहर जाके देखते हैं कि जो कुत्ता होता है यहाँ पे उसके जो 5 तीर होते हैं वो उसके मुंह में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाता है। तो इस प्रकार की इतनी अच्छी धनुर्विद्या थी यहाँ पे एकलव्य की यहाँ पे। तो यहाँ पे लेकिन गुरु द्रोणाचार्य को यहाँ पे याद आ जाती है बात कि यहाँ पे उसने अर्जुन को क्या बोला था, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे गुरु दक्षिणा के तौर पे वो एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लेते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे तीर, अब तीर को पकड़ने के लिए अंगूठे की आवश्यकता होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो इसने यहाँ पे बाद में ये छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये हमें एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये फॉरेस्ट डिवेलर्स थे, यहाँ पे हाई वर्ण के थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्षत्रिय कुल के हो गए, ब्राह्मण कुल के हो गए, तो ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगी भीम की, जो भीम यहाँ पे पांडव के दूसरे यहाँ पे नंबर पे यहाँ पे जो होते हैं, और यहाँ पे एक राक्षसिनी कुल से होती है जो जंगलों में रहती है, वो उसका नाम था हिडिम्बा, ठीक है। तो यहाँ पे भीम की और हिडिम्बा की यहाँ पे दोनों की शादी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पे सीरियल वगैरह में देखे होंगे महाभारत में, तो यहाँ पे भीम और यहाँ पे जो राक्षसिनी होती है यहाँ पे हिडिम्बा, ठीक है, फॉरेस्ट में जंगलों में रहते हैं, तो इनके बीच में भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे संबंध, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ पे 4 वर्ण्स के बारे में हमने देखा। उसके बाद हम 4 वर्ण के परे यहाँ पे सबॉर्डिनेशन और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देख लेते हैं। सबॉर्डिनेशन होती है मतलब अधीनता, कॉन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पे लड़ाई, तो इनके बारे में देख लेते हैं। ब्राह्मण्स अपने आप को यहाँ पे वो क्या कहते थे, यहाँ पे जो ब्राह्मण होते थे वो यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे सिस्टम से बाहर यहाँ पे रखा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्लासिफाई करते थे यहाँ पे लोगों को, एक उनके द्वारा एक अलग से कैटेगरी बनाई हुई थी जो थी यहाँ पे अनटचेबल, अनटचेबिलिटी की कैटेगरी, ठीक है। अनटचेबल मतलब कि यहाँ पे जो शूदर थे उनकी एक अलग कैटेगरी जो बनाई गई थी यहाँ पे अनटचेबल, अनटचेबल की। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण थे वो अपने आप को क्या समझते थे, यहाँ पे प्योर, प्योर किसके लिए यहाँ पे बोला जाता था, जो हायर 3 वर्ण हैं उनके लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यहाँ पे अपने आप को प्योर समझा जाता था इन्हें। और यहाँ पे ये क्या करते थे, जो भोजन था या पानी था वो यहाँ पे नहीं लेते थे किन से, अनटचेबल से, मतलब जो शूद्र होते थे उनसे नहीं लेते थे ये, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इनके द्वारा ये सब कुछ किया गया था। कुछ एक्टिविटीज़ भी थी यहाँ पे अनटचेबल्स के द्वारा जो की जाती थी, वो यहाँ पे उन्हें क्या समझी जाती थी, पोल्यूटिंग, दूषित समझी जाती थी। क्या समझी जाती थी, दूषित समझी जाती थी। एक तो यहाँ पे जो डेड बॉडीज़ हैं इन्हें हैंडल करने की जिम्मेदारी किन की थी, शूद्र की थी। दूसरा यहाँ पे जो डेड एनिमल्स, जो मरे हुए जानवर हैं यहाँ पे, उन्हें यहाँ पे हैंडल करने की जिम्मेदारी भी शूद्र की हुआ करती थी, ठीक है। तो इन्हें यहाँ पे दूषित समझा जाता था, और इन्हें यहाँ पे क्या बोला जाता था, इन्हें यहाँ पे चंडाल बोला जाता था, इन्हें क्या बोला जाता था, चंडाल। और यहाँ पे ये जो हायरार्की थी, जो वर्ण सिस्टम था, बिल्कुल सबसे लास्ट में यहाँ पे रखा जाता था अनटचेबल्स को, ठीक है, समझ में आया। और मनुस्मृति में आपको यहाँ पे इनके कुछ ड्यूटीज़ यहाँ पे लिखी हुई देखने को मिलेंगी। ड्यूटीज़ यहाँ पे क्या क्या थी, एक तो इन्हें यहाँ पे गांव से बाहर रहना पड़ता था, पहली क्या थी, गांव से बाहर रहना पड़ता था। दूसरी यहाँ पे जो बर्तन यहाँ पे फेंक दिए जाते थे वही इस्तेमाल करते थे यहाँ पे, नए बर्तन इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। दूसरा यहाँ पे जो व्यक्ति मर जाते थे उनके जो कपड़े होते थे वो इन्हें पहनने के लिए दिए जाते थे, और यहाँ पे नए कपड़े नहीं पहन सकते थे। चौथा यहाँ पे इन्हें ज्वेलरी पहनने की आज्ञा नहीं थी, मतलब सोना चांदी नहीं पहन सकते थे। यहाँ पे जो लोहे की ज्वेलरी थी
वो यहाँ पे ये पहन सकते थे। उसके बाद यहाँ पे एक गांव में रात के समय में यहाँ पे नहीं जा सकते थे, यहाँ पे इन्हें बिल्कुल भी मनाई थी, इन्हें यहाँ पे जंगलों में रहना होता था। और क्या था यहाँ पे फायान, ठीक है, यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे लिखा गया कि जो अनटचेबल्स होते थे, मतलब जब भी यहाँ पे ये सिटीज़ में जाया करते थे तो यहाँ पे आवाज़ करके जाया करते थे, क्लैपिंग करके जाया करते थे, क्यों किया करते थे कि यहाँ पे जो हायर वर्न्स हैं अगर वो इन्हें देख लें तो वो यहाँ पे अपने आप को क्या समझते थे, दूषित, मतलब कि हम भी यहाँ पे अपवित्र हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे इन्हें आवाज़ करके ही शहर में जाना होता था। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पे अगर जैसे मान लो कोई यहाँ पे क्षत्रिय कुल का यहाँ पे, ठीक है, भोजन कर रहे हैं, भोजन करते वक्त यहाँ पे कोई यहाँ पे शूद्र या अनटचेबल उन्हें देख ले तो ये समझते थे कि ये जो खाना है ये दूषित हो चुका है, तो उस खाने को ये गेर देते थे, ठीक है। तो ये सारी बातें देखने को मिलेंगी। जुआनजांग, तो ये भी एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, तो इनके द्वारा यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया गया कि यहाँ पे जो जलाद हुआ करते थे या सड़क को यहाँ पे जो कूड़ा करकट हटाने वाले जो लोग थे, इन्हें हमेशा शहर के बाहर रहने के लिए फोर्स किया जाता था, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, ठीक है, समझ में आया। तो एक बार आप लोगों ने खुद से ये सारी चीज़ें रिपीट करनी है तो आपको याद हो जाएगा। अनटचेबल यहाँ पे इनके द्वारा बोला जाता था, ठीक है, अपने आप को प्योर समझते थे, हायर थ्री वर्नास। तो यहाँ पे मनुस्मृति में भी कुछ ड्यूटीज़ चंडाल की लिखी हुई हैं, चंडाल की यहाँ पे क्या क्या ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं। एक तो इन्हें विलेज के बाहर रहना पड़ता था, यहाँ पे फेंके हुए बर्तन इनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे, यहाँ पे जो डेड पर्सन्स हैं उनके कपड़े पहना करते थे, यहाँ पे आयरन की ज्वेलरी इनके द्वारा पहनी जाती थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो बात है जो अक्सर एग्ज़ाम्स में यूपीएससी वगैरह में पूछ ली जाती है, ये जो चंडाल्स हैं इनका यहाँ पे जो नाम आपको ये मेंशन देखने को मिलेगा, कहाँ पे देखने को मिलेगा अगर पूछा जाता है तो मातंग जातक यहाँ पे ये जो चंडास, मतलब कि यहाँ पे जो आपको जातक कहानियाँ महात्मा बुद्ध की देखने को मिलेंगी बहुत सारी, यहाँ पे 500 से भी ज़्यादा, कि पुनर्जन्म यहाँ पे जो पिछले जन्म में उनके क्या क्या अवतार यहाँ पे हुए हैं, ठीक है, उनमें से एक आपको ये चंडाल के भी देखने को मिलेंगी। इनका यहाँ पे जन्म शूद्र कुल से होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इन्हें कोई लड़की यहाँ पे देख लेती है तो वो अपनी आँखें धो लेती है, ठीक है, ये कहानी मैंने आगे लिखी हुई है तो वहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना चांडाल्स यहाँ पे मेंशन किया गया, कहाँ पे मेंशन किया गया पूछ लेते हैं, मातंग जातक में, ठीक है। तो ये नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ पे जो साइड की इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी मैंने इंक्लूड की गई है नोट्स में, बिल्कुल शॉर्ट्स में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये सारी कहानी यहाँ पे दी गई है यहाँ पे, ठीक है। ये जो मातंग जातक यहाँ पे इसमें से ली गई है, पुनर्जन्म जो महात्मा बुद्ध का हुआ था चांडाल के रूप में, वो सारी बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, वीडियो को पॉज करके अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। यहाँ पे ये मैं नोट्स में इंक्लूड नहीं करूँगा ये वाली चीज़ें, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें मैं नोट्स में ऑलरेडी मैंशन कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जितनी भी प्लेलिस्ट है, वीडियो को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीडीएफ फाइल चाहते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में, इवन कि आप यहाँ पे ये वेबसाइट के ऊपर जाके भी परचेज कर सकते हैं। आपको अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यूपीएससी का फोल्डर देखने को मिलेगा, स्टेट पीसीएस का, क्लास 12th, 11th, 10th, 9th, 7th, 8th, 6th, ठीक है, सारे अलग अलग आपको फोल्डर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें आपको देखने को मिलेगा जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, मतलब कि यहाँ पे आपको भिन्न भिन्न अधिकार देखने को मिलेंगे औरतों के प्रॉपर्टी को लेके और मर्दों के अलग अलग अधिकार देखने को मिलेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे मनुस्मृति हो गया, धर्मसूत्र हो गया, धर्मशास्त्र हो गया, इन सभी में यहाँ पे ये बात देखने को मिलेगी कि जैसे ही यहाँ पे पेरेंट्स की, माता पिता की मृत्यु के पश्चात यहाँ पे जो उसका बेटा होगा, बेटे जो होंगे उन्हें यहाँ पे संपत्ति इक्वली यहाँ पे डिवाइड कर दी जाती है। यहाँ पे एक एग्जेप्शनल केस आपको ये देखने को मिलेगा कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसे यहाँ पे एक अलग से थोड़ा ज़्यादा शेयर दिया जाता है प्रॉपर्टी में से, ठीक है। क्यों दिया जाता है, ऑब्वियस है, यहाँ पे सबसे बड़ा होगा तो ज़्यादा जिम्मेदारी उसके कंधों पर होगी, तो इसलिए यहाँ पे अलग से उसे ज़्यादा शेयर दे दिया जाता है। वुमेन्स यहाँ पे शेयर यहाँ पे दावा नहीं कर सकती है यहाँ पे प्रॉपर्टी में से, ठीक है। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। वुमेन्स
यहाँ पे ये जो धन संपत्ति इन्हें मिलती है कब मिलती है यहाँ पे, मतलब कि मैरिज, जैसे इनकी मैरिज होती है तो यहाँ पे इन्हें धन दिया जाता है जिसे बोला जाता है स्त्री धन बोला जाता है। स्त्री धन मतलब वुमेन्स वेल्थ यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, जैसे दहेज के रूप में जो यहाँ पे धन दे दिया जाता है। और यहाँ पे जो ये धन होगा स्त्रियों का, इसके ऊपर जो अधिकार होगा वो किनका होगा, आगे जो इनके बच्चे होंगे इनका अधिकार यहाँ पे उनके ऊपर होगा, ठीक है। या यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे जो इनके हस्बैंड है वो यहाँ पे इनका कोई क्लेम नहीं होगा ये जो ये संपत्ति वगैरह जो भी इसे मिली है। लेकिन सेम समय में यहाँ पे मनुस्मृति में ये बातें भी लिखी गई हैं कि जो औरतें हैं यहाँ पे वो अपने हस्बैंड की परमिशन से बिना ना तो वो फैमिली प्रॉपर्टी यहाँ पे अपने पास रख सकती है, ना ही अपनी जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो रख सकती हैं, ठीक है, जब तक कि उसका हस्बैंड उसे परमिशन नहीं देगा। तो यहाँ पे ये बात भी साथ में लिखी हुई देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे इसी के साथ में आपको कुछ और बातें भी आपको समाज में देखने को मिलेंगी, जैसे कि प्रभावती गुप्ता जो कि एक वाकाटका क्वीन थी, रानी थी यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय की जो डॉटर थी, ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा। तो यहाँ पे ये रानी थी, इसके पास यहाँ पे अपनी खुद की प्रॉपर्टी थी, इवन कि इसके पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद बहुत कुछ था यहाँ पे इसके पास, ठीक है। तो टेक्सुअल एविडेंस हमें यहाँ पे ये भी मिलते हैं कि जो अपर कास्ट वुमेन्स हैं उनके पास यहाँ पे रिसोर्सेस एक्सेस हुआ करता था, लैंड का भी होता था, कैटल्स का भी हुआ करता था, मनी का भी हुआ करता था, ठीक है, औरतों के पास यहाँ पे सब कुछ था। मनुस्मृति में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो मैन हैं इनके पास यहाँ पे 7 तरीके हैं यहाँ पे धन संपत्ति को इकट्ठा करने के, औरतों के पास यहाँ पे 6 रास्ते हैं यहाँ पे धन संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए, मनुस्मृति में यहाँ पे ये बात बोली गई है, ठीक है। 7 यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वेल्थ एक्वायर करने के मैन के देखने को मिलेंगे, वुमेन के आपको यहाँ पे वेल्थ के 6 रास्ते यहाँ पे देखने को मिलेंगे किस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लेना, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 समझ में आया होगा, तो यहाँ पे अपने आसपास फायर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे हो गए, ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना यही हमारा लक्ष्य है। और यहाँ पे पानी को जितना हो सके यहाँ पे सेव करें, क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल कम होता जा रहा है और इवन कि बहुत ज़्यादा प्रदूषित भी होता जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम पार्ट नंबर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।